Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बैटल ऑफ निमसेट। और बैटल ऑफ निमसेट का ये अंक बहुत खास है, और देखा जाए तो बैटल ऑफ निमसेट के सारे अंक बहुत खास हैं। निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कहीं पर भी आपको एक जगह टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कोई भी ऐसी बुक नहीं अभी तक है। और कहीं पर भी एक जगह मैथ्स के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, बात मेरी ध्यान दें टॉपिक वाइज। जैसा कि आज देख सकते हैं कि आज हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस आपको ईयर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, और ये ऐसी सीरीज चलती जाती है। 2008 से लेकर हम लोग शुरुआत करते हैं 2018 तक, पार्ट वाइज ब्रेक करते जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 58 अंक यहाँ पे अपलोड किए हैं, तो आप देख सकते हैं। और आज आपको ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हम पढ़ेंगे और आपको आंसर्स करना होगा। बैटल ऑफ निमसेट सीरीज का है रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन का ये अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आंसर्स करने हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी आंसर्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहां देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले आपको 1, 2, 3 और 4 पार्ट में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो फॉलो करने होंगे, तभी आप आंसर्स कर पाएंगे। देखिए, एक पजल फॉर्म में उन्होंने 2008 में सारे क्वेश्चंस दिए, तो बैटल ऑफ निमसेट के थ्रू आपको कम से कम ये मदद मिल रही है कि क्या कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और ब्लड रिलेशन के किस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ऐसे क्वेश्चंस जरूर पढ़ें, क्योंकि एक टाइप के अगर ये 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन एक साथ आ गए और आप नहीं कर पाए तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। पहला इंस्ट्रक्शन है पी शाई क्यू, मीन्स पी इज अ मदर ऑफ क्यू। इस सिंबल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि साई सिंबल को डिनोट कर रहे हैं कि मदर को डिनोट करेगा। यहां पे P belongs to Q, तो belong का मतलब है P is the sister of Q। जब भी P और Q में belong लगाया जाएगा मतलब sister को denote करेगा। P और dollar, P dollar means इसका मतलब P is the father of Q, और P has Q means है P is the brother of Q। तो ये सारे symbols का उन्होंने अलग अलग मतलब दिया। आप इन्हीं को आप relate करके आपको answers और सारे जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो 2008, अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सारे क्वेश्चन जो उसी ईयर के आए थे। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मींस एन इज डेफिनेटली डॉटर ऑफ के। तो कौन सी एक्सप्रेशन एन को के से और ये पर्टिकुलर रिलेशन होल्ड कराएगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं के डॉलर एल हैस एम हैस एन, क्या वो सही है आपको जज करना है। बी ऑप्शन में है एम शाई के डॉलर एन बिलोंग्स टू एल। अब आपको आगे बढ़ना है के साई एम साइस एल बिलोंग्स टू एन, और डी ऑप्शन है एल साई के डॉलर एन हैस एम। जो भी परफेक्ट आंसर हो, सुटेबल आंसर हो, आप सॉल्व करें और यहां पर कमेंट जरूर करें, इससे बहुत ही अच्छा मुझे लगेगा और ये वाकई में बहुत अच्छा है भी। विच आर द फॉलोइंग मींस आर इज अ ब्रदर ऑफ टी। तो आर और टी में कौन ब्रदर रिलेशन होल्ड कर रहा है आपको ऑप्शन से देना है। वही सेम स्ट्रिंग आपको दी गई है, आप देख सकते हैं आर शाई एस हैस यू डॉलर टी। क्या बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है यू शाई आर डॉलर एस हैस टी। सी ऑप्शन है यू साई आर बिलोंग्स टू एस साई टी, और डी ऑप्शन आप देख सकते हैं टी हैस एस डॉलर क्यू बिलोंग्स टू आर। जो परफेक्ट आंसर हो आप सुटेबल आंसर को जरूर प्रयास करें। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एक्स इज अ रियल ग्रांड मदर ऑफ वाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा x belongs to z psi k dollar l has y, and b option है y psi k dollar x has l, and c option है y has l dollar k psi x belongs to z, और d option आपके सामने ये रहा k psi x k has x psi z और has l dollar y। तो आप आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं चौथे पर, if K psi L belongs to M has N, then how K is related to with N? तो K और N का रिलेशन क्या होगा इस स्ट्रिंग को अगर हम इंटरप्रेट करें, क्या मदर होगा, आंट होगा, ग्रैंड आंट होगा और ग्रैंड मदर। अब दो फाइट कर रहे हैं मदर और आंट, तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स K इज द नेफ्यू ऑफ M, N has M dollar L has K belongs to O, K has L dollar N belongs to O dollar M, K L has K एक मिनट पेशेंस ली, L psi O has
एम डॉलर ओ और बिलोंग्स टू के एन डी ऑप्शन है, हेम हैज एन डॉलर एल हैज के और डॉलर ओ। तो आपका ये परफेक्ट अंक था 58 सीरीज ब्लड रिलेशन के नाम रही 2008 के सारे क्वेश्चंस। 2008 में लिमचर शुरू हुआ होगा और पहला ये क्वेश्चन पजल का रहा होगा, पजल फॉर्म में ब्लड रिलेशन आ गई तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं बेटा लर्न लिमचर में, अगर आप पहली बार आए हैं या आप देखते रहते हैं तो यहाँ पर हम आपको ये दिखाते हैं कि आपके पास पेपर्स अगर नहीं है तो आप लिमचर के सारे पेपर्स रख लीजिए, पढ़ाई का यही तरीका होता है। और आपको यहाँ पर एक टाइप के एक टॉपिक के ईयर वाइज क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, तो आपके पास कोई भी बुक हो, जैसे आप पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बहुत ही फ्रैंकली आस्किंग क्वेश्चन है कि बुक कौन सी पढ़ी जाए, कौन से मटेरियल सही है या नहीं है। तो बैटल ऑफ निमसेट में मेरी बात आप सुने कि आपको बुक्स कोई भी पढ़नी है, बस चुनाव क्वेश्चंस का करना है, तो क्वेश्चंस इसी टाइप के होने चाहिए। तो आप अपने क्वेश्चंस को वहां से चुन लीजिए और ऐसे क्वेश्चंस करते जाइए। आप स्नैपशॉट अभी तक नहीं लिया है तो अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मुझे लगता है कि सारे अंक के आप स्नैपशॉट ले लीजिए और उस तरीके की पढ़ाई करिए। चलिए आप मावला क्लासेस के सारे वीडियोज़ देखते हैं और फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, बट आपको ज़रूरत हो तभी आप करें। पढ़ाई आपको कॉन्सेंट्रेट होकर करनी है, हम लोग आपको प्रयास कर रहे हैं। और आपको जब आपके पास समस्या हो और आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो ये चैनल्स और ये हमारी आवाज़ उनके लिए है। मावला क्लासेस के ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म हैं, प्लेटफॉर्म गिनाने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर उनकी ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म अभी तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस या कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। वो इसलिए बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ का यही प्रयास है जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो कहीं पर भी हो हमारी बात सुन पाएं और इस कंटेंट को देख पाएं तो वो पढ़ पाएं, यही हमारा और मावला क्लासेस का प्रयास है। नंबर वन कि आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जिन बच्चों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन घर करें और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। www.mavlaonlinetest.com पे टेस्ट सीरीज दीजिए। आपके पास वेबसाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वेबसाइट का लिंक दिख रहा हो, आप जाके वहाँ पे ओरिजिनल पेपर और नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है वो स्नैपशॉट अगर आपके पास है, आप उस क्वेश्चन का हल चाहते हैं तो आस्क मावला ऐप पर जाके आप क्वेश्चन को पोस्ट करिए, आपका बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे और वहाँ क्वेश्चन के आंसर आप खुद कर सकते हैं। आपके पास एक और प्लेटफॉर्म है अमित कटियार को अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आप जाके पर्टिकुलर लेशंस को पढ़ सकते हैं। ये पहला एक और मैंने प्रयास किया है अलग जाके यूट्यूब से और अलग लर्निंग ऐप पे ये प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, फॉलो तभी करें जब आपको उसकी ज़रूरत हो। और ये माध्यम यूट्यूब सबसे स्ट्रांग मीडियम है कि हम यहाँ पर अपनी बात रख पाते हैं और आपको मोटिवेट कर पाते हैं, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमें फॉलो करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद, इसलिए नहीं क्योंकि अगर आपको लगता है कि कुछ हम डिलीवर कर पा रहे हैं तो यही हमारा प्रयास है। इसी के साथ बाड़ी को विराम देंगे, नए लेशन में आपके साथ होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।